गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो एक बार मैं फिर पहुंच गया हूं मनाली और आज मैं आपको एक बार फिर लेके जाऊंगा लाहौल वैली में। सो गाइज, मैं रात को ही पहुंचा था इस होटल में और काफ़ी अच्छा होटल है, मेन मनाली में है, जो मेन मनाली में आपका पेट्रोल पंप है उसकी निर्वाही है ये, जो पिकाडली करके एक जगह है, पिकाडली होटल है, उसके साथ ही ये होटल रुद्रा पैलेस। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस है और इनका फूड के लिए सही है, मतलब बेडिंग वगैरह हर चीज़ क्लासी है और ये लगभग मुझे पड़ा था 1200 रुपये। तो मैंने किसी नॉन के थ्रू आउट ही बुक करवाया था ये, क्योंकि हम पहुँचे थे यहाँ पे 3 बजे के करीब, रात के 3 बजे के करीब, तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि यहाँ पे पूरा हॉल डे स्पेंड करें, क्योंकि मनाली तो यार पता नहीं कितनी बार हमने टाइम स्पेंड किया हुआ यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे एडवेंचर कोर्सेज वगैरह और ये पूरा स्कूल टूर कभी ये टूर। तो गाइस, जो मेन सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊँ क्या है, आज हम जाएंगे आपका निकुला देवी और त्रिलोकी नाथ और साथ में हम भी इन बिटवीन जो आपको पता ही है अटल टनल तो आएगी आएगी, वो भी आपको नज़ारे हम दिखाएंगे एक बार फिर से। सो गाइस, मेरी जो जर्नी है ये स्टार्ट हो रही है मनाली से और मनाली से जो त्रिलोकी नाथ है वो लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें टाइम लगेगा मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से 3 to 4 hours। तो रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मतलब बीच में है ऐसे हल्का फुल्का ख़राब लेकिन इतना सही नहीं, काफ़ी रोड बेहतरीन हो गए हैं अब तो, मतलब ऐसा है कि यार मनाली से निकलो सीधे डायरेक्ट लाहौल में विद इन 25 to 30 minutes और एक अलग दुनिया में आप पहुंच सकते हो। तो कुछ इस तरह का बनेगा हमारा ट्रिप और मोस्ट प्रोबेबली हम सोच रहे हैं कि मेक निकुला देवी टेम्पल है वो कवर करेंगे, आफ्टर दैट हमारा जो रहेगा त्रिलोकी नाथ जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ की वो हम कवर करेंगे, केलोंग हुआ हमारा तो वो भी कवर कर लेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक चीज़ बनाई थी जो सीसू वगैरह और जो है यहाँ के केलोंग वगैरह की, वो वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, अ पार्ट ऑफ दैट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी, तो आप नेहरू कुंड में जब पहुँचते हो तो आपका यहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है इस जगह पे कि आपकी गाड़ी का वो देखा जाता है आरसी कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है और डीजल पेट्रोल व्हाटएवर जो फॉर्मेलिटीज़ है या पोल्यूशन लेवल की वो चेक की जाती है इस जगह पे। अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी है तो आपकी गाड़ी को आगे जाने की परमिशन नहीं होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखें, अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी हैं क्लियर रखें तभी जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस, थोड़ी ही देर में हम सोलंग वैली पहुंचने वाले हैं, लगभग हमें यहां से पहुंचने के लिए लगेंगे 20 से 25 मिनट नेहरूगंज से। और रास्ता तो यार मनाली की तो बात ही अलग कुछ है यार, बहुत सेम है। अगर मुझे पूरे हिमाचल में अगर बात करूं मैं कि एक मोस्ट वियर्ड और मोस्ट डिफरेंट जो चीज़ है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाते हैं दोनों जगह, वो सिर्फ मनाली के साथ हैं, क्योंकि मनाली के साथ पड़ता है लाहौल वैली। लाहौल के साथ ही मतलब कुछ अलग दुनिया जाती है, आपको पता है ट्री लाइंस वगैरह सब खत्म हो जाती हैं, मतलब पेड़ पौधे कम हैं उस जगह पे। तो और ये पलचान का ब्रिज, इसके तो बात ही क्या करें यार, ये हमारे सामने बना है, हमने देखा था कि पहले छोटा सा पुल होता था सभी को पता होगा इस जगह पे, तो अभी तो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा सही हो गई है यार, क्या बताएं, आप देख सकते हो उस जगह को। सो गाइज, आप सभी को पता होगा जो सोलंग वैली है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं उस जगह पे और पैराग्लाइडिंग भी होती है उस जगह पे, काफ़ी एडवेंचरस जो भी इंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा स्पॉट है जो अपना सोलंग वैली है नियर बाई, आप रोहतांग के लिए भी ओपन हो जाएगा माइट भी, तो वो तो ओपन होगा आपके लिए और मई लास्ट में और जून में जाके, तो इस तरह का कुछ है सिनारियो। और आप सभी को पता है हिमाचल में एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है, तो प्लीज़ थोड़ा घर में रहें, वीडियोस वगैरह हम आपके लिए बनाते रहेंगे जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ पे कब जाएं क्या है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यार गंदगी डलने स्टार्ट हो गई यार, एक बहुत दुख होता है, आप लोग इन्जॉय कर रहे हो इस जगह पर लेकिन अपनी वो हरकतें नहीं छोड़ रहे, तो ये उन लोगों के लिए है प्लीज़ मेरी तरफ से सुजेशन कि आप घूमने इतनी दूर से आ रहे हो अपने गंदे शहरों से, मुझे बोलना पड़ रहा है अपने गंदे शहरों को, क्योंकि यार इस टनल को बनने में काफ़ी टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है और कुछ लोगों की जान भी गई है, तो प्लीज़ आप जब भी आएँ थोड़ी गाड़ी सावधानी से चलाएं। आप ठीक है, आपको बोलते ना कि एक्साइटमेंट हो जाती है आदमी को कि जब इतनी मतलब ब्यूटी को देखता है इतने करीब से,
लेकिन फोटोज़ के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में अपनी जान जोखिम में ना डालें। जो भी अपनी गाड़ी अपनी लेन में चलाएं और दारू पी के गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं भाई लोग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रोड है वो किस तरह का है, और एक बोलते ना कि अच्छा फील तो आता है यहाँ पे जब आप इंडिया में ऐसे रोड्स देखते हो कि बहुत अच्छे और बेहतरीन, तो एक अलग फील हर बंदे के दिमाग में, दिल में एक अलग खुशी होती है। लेकिन वो खुशी कहीं गम में ना बदल जाए, तो प्लीज़ गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलाएं। तो यहाँ से ऊपर ही एक जगह है ब्यासकुंड, वो कभी पहुँचेंगे हम तो उसका भी एक ट्रैक है, वो अलग वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। तो हम वहाँ पे भी गए हुए हैं ब्यासकुंड वगैरह में। तो मैंने यार ब्लॉगिंग वगैरह अभी स्टार्ट की हुई है, तो मेरे पास तो मैं समझता हूँ कि मेरे को 10 ईयर्स तो हो गए ट्रैवलिंग करते हुए, जितने हमने एडवेंचर्स ट्रिप मारे हुए हैं, जितने किए हुए हैं, तो कितनी वीडियोस बन जाती। लेकिन अभी हमने आइडिया अभी आया दिमाग में, जब बोलते हैं कि जब भी जागो तभी सवेरा, तो हमने भी उसी टाइम पर स्टार्ट कर दिए वीडियोस बनाना। अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत आगे जाएंगे, और आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा मैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। प्यासे मत जइयो पल भर बह जा मुसाफिरा, प्यासे मत जइयो मारे दर से मुसाफिरा, प्यासे मत जइयो मारे दर से मुसाफिरा, प्यासे मत जइयो थोड़ी पी जा मुसाफिरा, प्यासे मत जइयो थोड़ी पी जा मुसाफिरा, प्यासे मत जइयो। प्यास से मत